हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से यह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान का पार्ट थर्ड है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का प्रिपरेशन किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस ईएलटी राजस्थान पीटीआई डीएसएसपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। और डेली बेसिस पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ, देखते हैं आप कितना तैयार हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि खेल मनोविज्ञान एथलेटिक में व्यवहार की खोज करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन लूथर का। नेक्स्ट है, खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो दोस्तों, खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है खेल भावना। नेक्स्ट है, खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है, यह किसने कहा है? शारीरिक फिटनेस का अध्ययन या शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन, दो प्रकार से पूछ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है, यह कथन किसका है, ये किसने कहा है? तो के एम बंस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया गया है? मन धार्मिक, अधोशारीरिक कि मनोशारीरिक? तो दोस्तों, व्यक्तित्व को प्रायः मनोशारीरिक रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ होता है मास्क या मुखौटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तित्व को 6 वर्गों में बांटा है, ज्ञान प्रधान, सौंदर्य प्रधान, अर्थ प्रधान, राजनीति प्रधान, धर्म प्रधान, समाज प्रधान, ठीक है। उसी प्रकार और लोगों का पूछता है, जैसे हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है, कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, अधिक रुधिर वाले। उसी तरह क्रैसमर ने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को 4 भागों में बांटा है, पिकनिक, एथलेटिक, अस्थेनिक, बायस प्लास्टिक। एनसेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, एंडोमोर्फिक, ओसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा कारक करता है? जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कौन सा कारक करेगा, यानी कौन कहता है कि हाँ, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है, तो इसका व्यक्तित्व या इसका पर्सनालिटी ऐसा है, इसको कौन निर्धारित करता है? तो समाज, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का बहिर्मुखी एंड अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया कार्ल यंग ने। किसने किया? कार्ल यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन क्या पूछा है, अनुवांशिक तत्व, अनुवांशिक शब्द लगा दिया है, इसलिए आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। अनुवांशिक न लगाता तो पर्यावरण हो जाता, बट यहाँ पे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो जीन्स है, जो जीन्स जो है
जो हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, डीएनए होते हैं, उसी से जीन्स का निर्माण होता है। और जीन्स क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे गुणों को हस्तांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित करते हैं? तो यह व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित करते हैं, वेशभूषा ये सब यह सांस्कृतिक रूप से निर्धारित करते हैं कि हाँ, वेशभूषा रहन सहन से किसी की संस्कृति को हम रीति रिवाज से पता लगाते हैं कि इसकी संस्कृति ऐसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम शक्ति, सामाजिकता, हठवादिता इत्यादि क्या है? तो ये सभी क्या है, एक सील गुण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनालिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखे हैं किम्बल यंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यह इसकी उत्पत्ति हुई है पर्सनालिटी शब्द की लैटिन भाषा की पर्सोना शब्द से, इसका अर्थ होता है मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में क्या नहीं आता, शिक्षा, योग्यता, प्रतिभा, सुरत सकल। तो दोस्तों, किसी की व्यक्तित्व को उसकी शिक्षा से, उसकी योग्यता से, उसकी प्रतिभाओं से जाना जाता है, न कि उसके सुरत सकल से। सुरत सकल सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विनियामों का जोड़ है? आंतरिक और अर्जित विनियामों का जोड़ व्यक्तित्व को किसने कहा है? तो वेलेंटाइन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है गत्यात्मकता, जिसमें गतिशीलता हो हर चीज में, चाहे शिक्षा हो, संस्कृति हो, योग्यता हो, प्रतिभा हो, शारीरिक शक्ति हो, बुद्धि हो, विवेक हो, हर चीज में गत्यात्मकता होना चाहिए, उसके सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व है? तो दोस्तों, व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ठीक है, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, इस परिभाषा को किसने दिया है? इस परिभाषा को दिया है बोटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसमें सहायक है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। क्या है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? तो किससे प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित होता है शिक्षा से। ठीक है, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में होगा, पार्ट फोर्थ में। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।